तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एंड आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंजन के बारे में। ठीक है, तो एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि आप अगर हम किसी भी क्रेन का अगर वेट एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या क्रेन जाम होगी या नहीं होगी। तो यही चीज़ आज हम बताने वाले हैं। एंड वीडियो को आप ज़रा से भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको पता नहीं चल पाएगा एंड आप वो मिस पार्ट कर देंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रेन के बारे में। अगर आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि कौन सा वेट कौन सी जगह पर पोजीशन पे है, तो अगर कोई निशान नहीं है तो आप वहाँ पर निशान लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निशान लगाने में, आप निशान लगा सकते हो। एंड अगर आइसर की गाड़ी है तो आइसर में क्या होता है, उस पर नंबर वाइज नंबर लिखा हुआ होता है। चलो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि इस वाली पोजीशन पे एरो का निशान है। ठीक है, यहाँ पर एरो है एंड एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर टू नंबर लिखा हुआ है एंड यहाँ पर थ्री नंबर लिखा हुआ है। थ्री नंबर लिखे हुए सब नंबर के आगे आप एरो देख सकते हो एंड ये चार नंबर है एंड चार नंबर के पीछे आर, यानी कि पांच नंबर। पांच नंबर पे आपको पांच नंबर नहीं लिखा हुआ होगा एंड आर लिखा होगा, आर का मतलब है रिवर्स। ठीक है, एंड सभी वीडियो पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो है D3। अब D3 देख सकते हो यहाँ पर जो कि D3 लिखा हुआ है एंड ये हर वेट पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारे वेट की। ठीक है, ये वेट हो चुका है एंड अब बात करते हैं हम हेड के बारे में। तो ये हेड उस गाड़ी का है जो ब्लास्ट हो चुकी थी, यानी कि पूरी लॉस हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है आप उसे दबा दीजिए एंड हमारे चैनल पर वीडियो जाके देख सकते हैं। ये हेड हम रिपेयर कर रहे हैं खुद से, कोई इस पर फेस वेस नहीं करवाया है हमने, कोई लेथ पे नहीं पुछवाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये हमने फेस किया है, पर ऐसा नहीं है, हमने इस पर सर्विस सेंटर पे जाके इसे सर्विस किया है एंड उसके बाद में यहाँ पर आप रिजमाल आप देख सकते हो, रिजमाल की वजह से हमने इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। रिजमाल से हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया एंड इसके बाल हमने इसलिए खोले थे क्योंकि जब गाड़ी में आग लगी थी तो इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसी की वजह से हमने इसे खोला हुआ है एंड इसकी जो कि गाइडे वाइडे सब सही निकली है एंड इंजन का काफ़ी सारा जो कि पार्ट होता है वो जल चुका था एंड यहाँ पर काफ़ी सारी ख़राब चीज़ हो चुकी है, जैसे कि आयल कूलर है, आयल पंप है एंड ये काफ़ी चीज़ें जो कि है ख़राब हो चुकी थी। पंप ख़राब हो चुका है, कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, तो ये सब हम चेंज करने वाले हैं, यानी कि दूसरा डालने वाले हैं। ठीक है, एंड ये जो कि हेड की जो कि है ऑयल सील वगैरह से ये सारी जल चुकी थी एंड ये हमने सब दूसरी डाल ली है। एंड जो कि इसके वॉल है, इसके वॉल हमने एकदम फ्री कर दिए वापस से, इस वॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड ये हल्के से जाम हो चुके थे आग लगने के कारण से, तो हमने इसे खोल के अच्छी तरीके से वॉश करके इसे हम वापस लगा रहे हैं। एंड अगर आपको फुल हेड की रिपेयर की अगर वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो कि थंबनेल दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पर आपको यही थंबनेल वाला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो का, तो आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे वाल्स हम वापस लगा रहे हैं एंड ऑयल सील्स आप देख सकते हो यहाँ पर ऑयल सील्स हमने लगा दिए एंड ऑयल सील्स इसकी सारी जल चुकी थी एंड ये हेड की जो कि आप कह सकते हो हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, यानी पूरे इंजन की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है एंड आप वो वीडियो देख सकते हो किस तरीके से पूरी ख़राब हो चुकी है। तो ये हम आपको वापस इंजन स्टार्ट करते हुए भी दिखाएंगे ये किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करने का जो कि पार्ट है वो आपको बाद में दिखाई देगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं इसे, क्योंकि स्टार्ट हम बाद में करेंगे, यही चीज़ आपको दिखानी थी। एंड आपको यहाँ पर हेड आप देख सकते हो सारे वाल हमने A to Z लगा दिए हैं एंड हम इसे चेक करते हैं, हम इसे जिस तरीके से हेड वाले करते हैं। ठीक है, आपको उस तरीके से चेक कर लेना है, कोई जाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये गाड़ी काफ़ी जल चुकी थी इसकी वजह से, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस यही हम कन्फर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में कन्फर्म हो चुका है क्या, ये वॉल एकदम एग्जॉस्ट काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एंड हेड अब आप देख सकते हो एंड जो कि इंजन का वर्क है आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि इंजन का वर्क चल रहा है एंड हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड काफ़ी चीज़ें हमने नई डाली है इसमें, जैसे कि पिस्टन हुए हों एंड आयल कूलर पंप वगैरह सब कुछ हमने नया डाला है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।